प्रोटेक्शन ऑफ फीडर, प्रोटेक्शन ऑफ फीडर, फीडर को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे उसको बचाएं, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ फीडर, फीडर क्या होता है, सच माइंड कि मान लो हमारा कि ये पावर प्लांट है, तो इसमें हम कितनी शाखाएं भेज रहे हैं, जो हमारा बिजली जा रही है किस शाखा में जा रही है। तो ये तीन टाइप का होता है, एक होता है रेडियल, दूसरा पैरेलल और दूसरा रिंग टाइप का होता है। पहला क्या होता है, रेडियल, रेडियल क्या होता है, सीधी रेखा जिसको बोलते हैं, ये हमारा क्या है, पावर प्लांट है। फर्स्ट में आते हैं रेडियल में, ये पावर प्लांट है, तो इसमें क्या है, हम सिंगल रेडियल फीडर यूज करेंगे, एक ही फीडर यूज करेंगे, इसमें रेडियल फीडर सिंगल। इसमें क्या होता है, ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और ये ए बी सी हमारा क्या है, सर्किट ब्रेकर है। तो मान लो कि हमारा फॉल्ट, ये डी पॉइंट, ये हमारा फॉल्ट हो गया, तो उसमें क्या होगा, जब हमारा डी पॉइंट फॉल्ट हो गया, तो सबसे पहले हमें क्या होगा कि ये जो है सी, सी सर्किट ब्रेकर, ये हमारा क्या होगा, ब्रेक कर देगा। कितना मिनट ब्रेक करेगा, ये 1 सेकंड में करेगा, और बी कितना में करेगा, 1.2 सेकंड में, और ए कितना में करेगा, 1.5 सेकंड में। ये जो है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ फीडर, ये टाइम रिलेटेड ओवरऑल प्रोटेक्शन होता है, टाइम रिलेटेड, टाइम के अनुसार काम करता है, ठीक है। फिर दूसरा पैरेलल फीडर, इसमें क्या था कि कुछ एडवांटेज था रेडियल फीडर में, कि मान लो अगर यहां पे फॉल्ट आ जाए या यहां पे फॉल्ट आ जाए, तो इधर क्या होगा कि यहां की सारे लाइन बंद, एक जगह अगर किसी का यहां पे फॉल्ट आ गया तो ठीक है, यहां आ गया, लेकिन यहां पे आ गया इस फीडर में, तो सारा लाइन कट जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या बनाया गया, पैरेलल फीडर बनाया गया। इस पैरेलल फीडर में क्या होता है कि ये हमारा पावर जनरेशन यहां से आ रहा है, इसमें क्या करते हैं, हम दो फीडर यूज करते हैं, कौन कौन सी, एक फीडर 1, एक फीडर ये हमारा 2। तो मान लीजिए कि हमारा जो है ये फीडर 2 में हमारा फॉल्ट आ गया, कहीं में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो हमारा फीडर 2 कौन सा है, सी और डी, फीडर 1 कौन सा है, ए और बी। तो मान लीजिए ये फीडर हमारा फॉल्ट आ गया है इसमें, तो हम जो पावर जनरेशन है हमें इस पॉइंट से काटना है, अब हमारा ये फीडर 1 ये हमारा ब्रेक कर जाएगा, और ये हमारा जो है पावर जनरेशन फीडर 1 से हमारा क्या होगा, आगे चला जाएगा। इसे इससे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, इसमें क्या था कि अगर यहाँ किसी तरह फॉल्ट आ गया तो बिजली जाने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन इसमें था कि अगर फीडर 2 में हमारा फॉल्ट आ गया है तो फीडर 1 से हम क्या कर सकते हैं, बिजली ले सकते हैं, जब तक हमारा फीडर 2 सही नहीं हो गया। अब तीसरा है, इससे थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाएगा, तीसरा री मेन फीडर, री मेन नाम से पता चल जाता है कि रिंग सर्किट है। तो इसमें क्या है कि इसमें भी फीडर हमारे पास कितने हैं, 2 फीडर लगे हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हम सब स्टेशन बढ़ा दिए, सब स्टेशन कितने हैं हमारे पास, 4 सब स्टेशन है, S1 S2 S3 एंड S4। ये हमारा क्या है, पावर जनरेशन, यहाँ से हमारे क्या आ रही, पावर आ रही। तो इस फीडर, ये वाली फीडर में कौन कौन सी है, ए बी सी डी ई एफ ए टी ई तक, ये कितने हैं, कितने हमारे 5। सेम इसी तरह इस फीडर फीडर 2 में कितने हैं, एफ आई जे आई एस जी एस, ये हमारा कितने, 5 इसमें है, 5 इसमें। मान लीजिए कि ये हमारा है एस पॉइंट, यहाँ हमारा फॉल्ट आ गया, तो फॉल्ट आ गया तो ये चल है टाइम ग्रेडेड सिस्टम से, तो टाइम ग्रेडेड सिस्टम से क्या होगा, ये हमारा एफ पॉइंट फॉल्ट आ गया यहाँ इधर से। तो सबसे पहले हम कौन से सर्किट ब्रेक करेगा, एक में 1 पॉइंट ये है, तो देखना है कि डायरेक्शन डायरेक्शन कौन सा है, ये नॉन डायरेक्शनल है, ये काम नहीं करेगा, केवल ये नहीं ऑपरेट होगा, ये डायरेक्शन है, यदि 2 सेकंड में ये सबसे पहले 1.5 सेकंड में, क्योंकि ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन ओवर करेंट है, तो 1.5 सेकंड में ये भी क्या है, डायरेक्शन है, ये भी हमारा 1.5 सेकंड ऑपरेट होगा, लेकिन किसी कारणवश इस जगह पे फॉल्ट आ गया आई पे, तो आई पे फॉल्ट आ गया तो क्या होगा, क्या करें हम,
जी है। तो सबसे पहले कौन सा सिलेक्ट रहेगा, ये रहेगा जी हमारा, क्योंकि वन सेकंड में ऑपरेट होगा सबसे पहले, ये जी हमारा। उसके बाद कौन सा होगा, ई होगा 1.5 सेकंड में। उसके बाद कौन सा होगा हमारा, जी होगा कितना 2.5 सेकंड में। उसके बाद हमारा ये है जी, जे भी हमारा ऑपरेट होगा कितना में 2.5 सेकंड में। तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो सर्किट ब्रेकर है इसको हम बचा सकते हैं, ये सी कारण वजह से ये